कागज है तो फाड़ दूंगा, दुनिया है तो छोड़ दूंगा, लेकिन किया हुआ है जो वादा उसको कभी नहीं तोड़ दूंगा। मैंने वादा किया था आपके साथ रोज एक एक वीडियो लाऊंगा मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेगा। सो जय जगन्नाथ। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑनलाइन फर्स्ट लेक्चर ऑफ साइंस एकेडमी फिजिक्स। इन फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द लेक्चर फॉर फिजिक्स। फिजिक्स रो फर्स्ट टॉपिक जरा ना होची इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होची कौन? तुम फर्स्ट ईयर पढ़ी स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक डायनामिक, स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी माने जोटा रेस्ट रे थिवो। डायनामिक माने मोशन रेस्ट रे। इलेक्ट्रोस्टैटिक आ माने ये कौन इंडिकेट करुचे? इलेक्ट्रोस्टैटिक माने इलेक्ट्रॉन माने स्टैटिक रे थिबे। इलेक्ट्रॉन माने चार्ज, चार्ज माने स्टैटिक रे थिले हमें तो कहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तमाने एटा आमे पढ़ीबा एई चैप्टर रे जोठी इल चार्ज माने रेस्ट रे थिबे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रो माने कौन? एबे खाता पेन भा करी लेखो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस कौन ना? चार्जेस होची कौन? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्चू ऑफ व्हिच वी कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एटा हमें कहे चार्ज। क्लियर? आम कहवा ये मुझे डेफिनेशन लिखुची, ए बॉडी इज सेड टू बी चार्ज्ड। A body is said to be charged if there is unbalanced electrons and protons in it। जदि गोटा बॉडी रे अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स माने इलेक्ट्रॉन नो नंबर जति की प्रोटॉन नो संख्या ताठरो जदि कमिला कि बेसी हला सेते बळे आमे कहिबा गोटा बॉडीटा चार्ज होई छि। आ जदि समान हे गला ताले आउटा लाइन लेखो, इफ देयर इज बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन ए बॉडी वी कॉल्ड इट न्यूट्रल बॉडी। गोटा बॉडी रे जदि जतेटा इलेक्ट्रॉन थिबो सेटेटा प्रोटॉन रहिला ताले हम ताको कहबा कोन ना न्यूट्रल बॉडी। आमे माने सब होचे न्यूट्रल, हमर जते को इलेक्ट्रॉन अछि सेतरा प्रोटॉन अछि। गोटे गोटे आयरन को मु नेबी, से आयरन टाको ए भले आमे लेखिले आमे ताको कहूचे कोन ना दिस इज ए न्यूट्रल। मु जदि तारी ऊपर प्लस प्लस लिखि देबी मु कहबी दिस इज ए चार्ज, मु चार्ज हो जाइए। आम केमिस्ट्री तुम जान काटायन। सिमिलरली मुझे लिखी एन ए प्लस कहवा गोटा काटायन। मन रख गोटा बॉडी को आम जो चार्ज करवा से इलेक्ट्रॉन रो ट्रांसफर हम ना प्रोटॉन रो ट्रांसफर हम माने कौटू को ट्रांसफर हम इलेक्ट्रॉन सब बेले इलेक्ट्रॉन रो ट्रांसफर हुए कारण इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस रो चारिपटे इलेक्ट्रॉन सब अच्छा इलेक्ट्रॉन सब बाहर रही था से इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी इजी टू ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इलेक्ट्रॉन रो ट्रांसफरटा इजी से आम सपोज कहे ये एन ए प्लस लेखाही मैंने यहाँ गोटे प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज मान कौन है ता मैंने ए बॉडी इलेक्ट्रॉन पलि जाए प्लस लेखाही मैंने गोटा इलेक्ट्रॉन पलि जाए। एटी डबल प्लस लेखाही मैंने दुटा इलेक्ट्रॉन से माने लॉस कर जाइछ कि आयरनटा दुटा इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाइछ। सिमिलरली तुम केमिस्ट्री पढ़ थो सीएल माइनस क्लोरीन माइनस व्हाट डज इट मीन त माने क्लोरीन रे एटी माइनस माने एटी हार नेगेटिव चार्ज अछि। नेगेटिव चार्ज माने एक्स्ट्रा गोटा इलेक्ट्रॉन अछि आरी ऊपर माने एक्स्ट्रा गोटा इलेक्ट्रॉन आसी छि क्लोरीन पाखु आमे से यही सब बॉडी को आम कह चार्ज बॉडी। ताहले एबे चलो पढ़ीबा चार्ज रो प्रॉपर्टी कौन, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग सब डालो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज।
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज सब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तुम सभी को पता है कि चार्ज आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। गोटा हला पॉजिटिव चार्ज आ गोटा हला नेगेटिव चार्ज। क्लियर? मु जदि गोटा पॉजिटिव चार्ज को आ गोटा पॉजिटिव चार्ज पाख को आनिबी ताहेले तांको भितरे गोटा फोर्स तांको भितरे आइदर पेलापेली हेबे नले टणाटणी हेबे, माने पेलापेली माने रिपल्सन हबो नले अट्रैक्शन हबो, किछि भी हबो। कोन हबो यदि पॉजिटिव चार्ज आनिबी तांको भितरे विकर्षण माने रिपल्सन हबो, पेलापेली हेबे रिपल्सन माने ये सडु पळे ये सडु पळे रिपल्सन फोर्स डेवलप हबो। यदि पॉजिटिव चार्ज आनिबी सेही भले रिपल्सन फोर्स पडुची विकर्षण। यदि नेगेटिव चार्ज भी आनिबी गोटा चार्ज नेगेटिव आ गोटा चार्ज नेगेटिव तभी भी रिपल्सन फोर्स पड़ो, ये सैड को पेली दबो ये भी सैड को पेली दबो रिपल्सन फोर्स पड़ो ना। सेम फंडा जदि उल्टा गोटाए पॉजिटिव चार्ज आनिबी आउ जदि गोटाए नेगेटिव चार्ज आनिबी ताहले तांको भितरे अट्रैक्शन फोर्स पड़ो, अट्रैक्शन फोर्स पड़ो, ये ताको अट्रैक्शन करिवो। उल्टा नेगेटिव नि गोटा पॉजिटिव नि ताहले अट्रैक्शन करिवो। मन रख दुटा चार्ज जितने समान चार्ज आम नवा प्लस प्लस नवा कि माइनस माइनस नवा ताको कहवा लाइक चार्जेस। लाइक माने समाने कहते नहीं ही इज लाइक हर सिस्टर, ता सिस्टर भलिया देखा लाइक चार्जेस माने मुँह कहली ये दुटा होती लाइक चार्ज, ये प्लस को सी प्लस माने लाइक चार्ज। मैं दुटा लाइक चार्ज नेबी से लाइक चार्ज भितर कौन कौ प्रकार फोर्स डेवलप हे ना रिपल्सन। मुझे अनलाइक ये गोटा प्लस गोटा माइनस चार्ज नेबी तांको भितर कौ फोर्स डेवलप हे ना अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। ताले दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज रे लेख लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी बुझेला, फर्स्ट प्रॉपर्टी अट्रैक्शन किए कर रिपल्सन किए कर चित्र करिया किसी दरकार नहीं, बुझा दरकार माइंड रे रखा दरकार, बुझा बुझा सहित माइंड रे सेव हवा दरकार। ये सब जिनस फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एबे सेकंड प्रॉपर्टी पढ़िबा, सेकंड प्रॉपर्टी रा ना होची कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जेमितिका फर्स्ट ईयर रे फिजिक्स रे सार पढ़ेथिबे नल मैडम पढ़ेथिबे कोनो ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी गोटा जे गोटा फॉर्म रु आउटा फॉर्म को ट्रांसफर हे जीव पचे किंतु एनर्जी केवे नष्ट हम ना। चार्ज हूँ सेम जिनस गोटा बडी जी चार्ज से मैंने टोटाली होल यूनिवर्स जी चार्ज अच्छी से केवे नष्ट हम ना, माने गोटाए बडी रु आ गोटे बडी को ट्रांसफर हम नष्ट हम ना कि आम कौन नुआ चार्ज भी क्रिएट करना। टोटाल मो पाखे कह यहाँ हूँ आमर जो मार्कर, यही मार्कर जीक इलेक्ट्रॉन थी जीक प्रोटन थी सी के नष्ट हम ना। मुझे घसीदेवी फ्रिक्शन ये घसीदे भर ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन ए बड़ी से बड़ी पड़े ना से बड़ी एबड़ी पलि आस इलेक्ट्रॉन के नष्ट हम ना। होल यूनिभर्स जितेक देखु जितेक जगह सब बड़ी देखु सबुथ इलेक्ट्रॉन प्रोटन थी जेकोसी बड़ी देखु हाथ में इलेक्ट्रॉन प्रोटन नखरे इलेक्ट्रॉन प्रोटन तापर ड्रेस जो पिंच से इलेक्ट्रॉन प्रोटन जोटा लिखु पेन ने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटन जेकोसी जगह जिते बडी देखु इलेक्ट्रॉन प्रोटन से इलेक्ट्रॉन प्रोटन के नष्ट हम ना। मानी नष्ट हम ना गोटाए बडी वन बडी को ट्रांसफर हम सहीटा को आम कहे कौन ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जमी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सब पड़ा ना से भाई आम कहे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रे गोटा लाइन लेख प्रॉपर्टी रे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रे चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
charges neither be created nor be destroyed. Full stop. It can transfer from one body to another body. It can transfer from one body to another body. एटा हला conservation of charge. Clear? Next आमे पढ़ीबा property number 3 जहाँ को कहती quantization of charge. अच्छा एठी गोटा कन्सीडर कर सपोज एठी गोटा सरफेस मु नेली ए सरफेस रे ए इलेक्ट्रॉन अछंती 5टा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अछंती 5टा मु कहिबी आर चार्ज केते ना 5 इनटू जतेटा इलेक्ट गोटा इलेक्ट्रॉन नो चार्ज मल्टीप्लाई कर देबी एटा आ जीवो हमर कोन ना 5 इनटू माइनस ई एटा हो जे हमर चार्ज सपोज मोर इलेक्ट्रॉन 10टा पळेले मु कहिबी आर केते चार्ज हबो ना 5 इनटू 10 ई सॉरी 10टा इलेक्ट्रॉन एटू पळेले मु कहिबी केते 10 इनटू ई ए वाला चार्ज से भाया आम चार्ज जो है से क्वांटिटी को आम केमी एक्सप्रेस करवा से प्रॉपर्टी हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ताने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अनुसार कौन सी बॉडी रे जितकी चार्ज अच्छी ताकू आम लिखिपर से जो चार्ज चार्ज को इंडिकेट करूँ क्यू रे क्यू क्यू 10th क्लास से पढ़ थी करेन्ट आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी चार्ज को इंडिकेट करूँ क्यू क्यू इक्वल्स टू एन इंटू ई क्यू इक्वल्स टू एन इंटू ई आम तक यही एक्सप्रेस कर एन टा हूँ कौन आगे बुझ तापर प्रॉपर्टी देखी एन हूँ गोटा इंटीजर इंटीजर माने 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3 ये भाला सब हो पार इंटीजर हो पार माने इंटीजर थोड़ा मुझे फ्रैक्शन पॉइंट नहीं पारि ना जेकोसी रियल नंबर नहीं पारि ना ये इंटीजर नेबी एनी रियल नंबर मुझे नहीं पारि ना जदि मुझे कह गोटा बॉडी रे केते चार्ज अच्छी ना फाड़े हाफ मुझे हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छे इमती हो पार ना जी चकुली पिठा खाइ चकुली पिठा को कट हाफ करदे फाड़े फाड़े कटि जाए सीधे मुझे गोटे इलेक्ट्रॉन को फाड़े करा नहीं जाए ये गोटा चार्ज हो फाड़े इलेक्ट्रॉन से सीमती हो पार ना टोटल जदि मुझे गोटा इलेक्ट्रॉन हम ना टोटाल जब दुटा इलेक्ट्रॉन हम ना 3टा इलेक्ट्रॉन ये भाई आम कहीपर तेने 1/2, 3/2, 5/9 यही भाया संख्या इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक्जिस्ट कर टोटल गोटा मैंने इंटीजर नंबर गोटा एक्जिस्ट करा को आम कहे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज रू प्रॉब्लम पड़े जदि एन जदि आम कह ये नेगेटिव बाहर क्यूर भालू जदि नेगेटिव बाहर गोटा बॉडी रे तुम कह इलेक्ट्रॉन अधिका अच्छी मैंने अधिका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छे से बॉडी रे आम जदि प्यूर भालू जदि पॉजिटिव बाहर तेल आम कह बॉडी रे प्रोटॉन अधिका अच्छे ताले केते बेले बेले से कौन कर डायरेक्टली मैग्नीट्यूड लिखी दे थो कह एक मैग्नीट्यूड चार्जर मैग्नीट्यूड लिखिले प्लस माइनस किसी दे नाले भी आम खाली एन रैल्यू मैग्नीट्यूड आम कैलकुलेट करिया क्लियर ताले आम एटी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज रे एबे ओटा लाइन लेख देख द नेट चार्ज इन ए बॉडी कैन बी एक्सप्रेस as an integral multiple of electronic charge electronic charge माने integral multiple of electronic charge माने charge of an electron गोटाए इलेक्ट्रॉन चार्ज जी सी कहे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तल को लेख मैथमेटिकली क्यू इजिकल्स टू एन इन टू क्यू है कौन ना चार्ज एन है इंटीजर इंटीग्रल मुझे कहने इंटीग्रल मल्टीपुल मान गोटा इंटीजरटा मल्टीपुल गुणा हो गोटा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सहित मानने चार्ज अफ एन इलेक्ट्रॉन ताल यही मैथमेटिकली यही फर्मुलाटा लिख सारा देख हयार एन ए इक्वल्स टू इंटीजर मैंने कौन ने 0, ±1 नहीं पारि ±2 नहीं पारि ±3 नहीं पारि डट इक्वल्स टू लेख इक्वल्स टू चार्ज ऑफ अन इलेक्ट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन चार्ज हूँ आमर ई गला तीन टी प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हूँ कौन ना चार्जर यूनिट
यूनिट चार्ज यूनिट समस्त जान सारे है कारण आमर आउ जन सार गूगल मीटर पढ़ी सारे करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी यू हैव नोन नो चार्ज यूनिट तथा मुझे पुणी थे कौच तुमको भल लगे चार्ज यूनिट पुणी आउ थे कौच से चार्ज यूनिट हूँ फोर यूनिट ऑफ चार्ज यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब 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 गोटा ल कही वेरी वेरी पॉपुलर ल आपरे पढ़ा से कूलम्ब को ल अनुसार मैंने से कूलम्ब सब बाहर करते मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे कूलम्ब को अवदान बहुत से अनुसार ना अनुसार कूलम्ब चार्ज यूनिट भी रखी थे कूलम्ब जी न्यूटन ग्राविटेशन फील्ड रे माने गति मोशन उपरे अवदान बहुत से फोर्स यूनिट रखी थे कौन ना न्यूटन से यूनिट ऑफ चार्ज हूँ कौन ना कूलम्ब से भाया तुम एमती कम कर कौन से गोटे एमतिया जिनस बाहर करदेव फिजिक्स तुम ना अनुसार तुम मैंने से भाया गोटा कौन बाहर करदे तुम ना अनुसार यूनिट दिहब से भाया कम कर कि भी असंभव नुहे दुनिया में है यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब सीओ यू एल ओ एम कूलम्ब अच्छा कूलम्बा एडे बड़ा लिखा मैंने डर मारे समस्त को से खाली सी लिखि दिखती सी सी लिखिदे जन बुझीज कौन ना यहाँ हूँ कूलम्ब चार्ज यूनिट के कूलम्ब मुझे लिखिदेवी टू सी टू सी टू सी लिखाई थी मैंने जन पढ़ कौन ना टू कूलम्ब कूलम्ब ये पांच नंबर आम पढ़ा चार्जर डायमेनसन चार्जर डायमेनसन चार्जर डायमेनसन जानापी तुमको गोटे फर्मूला सार पढ़े थे आमर करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी सार पढ़े थे आई इक्वल्स टू करेन्ट आई इक्वल्स टू के क्यू बाय टी आई हूँ कौन ना करेन्ट क्यू हूँ कौन ना चार्ज टी है कौन ना टाइम मन रखी थ फास्ट इयर आम सार पढ़े थे तुम जो यूनिट डायमेनसन केतोटी आमर फंडामेंटल केतोटी आमर सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी अच्छी फंडामेंटल क्वांटिटी हूँ आमर सातटा फंडामेंटल क्वांटिटी सातटा ता भितर करेन्ट हूँ गोटे फंडामेंटल क्वांटिटी तमाने चार्ज गोटा फंडामेंटल क्वांटिटी नुह चार्ज हूँ गोटा डिराइव्ड क्वांटिटी माने चार्जर आम डेरिवेशन को डिराइव करवा यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटी कौन ना करेन्ट करेन्ट हूँ गोटे फंडामेंटल क्वांटिटी जो सातटा क्वांटिटी थी फंडामेंटल क्वांटिटी ता भितर करेन्ट हूँ गोटे फंडामेंटल क्वांटिटी आउ कौन ना टाइम भी हूँ गोटे फंडामेंटल क्वांटिटी चार्ज जदि फंडामेंटल क्वांटिटी होता मुझ डायरेक्टली तार डायमेनसन को नेक दे था क्यू नेक दे था ना कूलम्ब सी नेक दे था कहीं आम कूलम्ब सी लिखिपर नहीं कि क्यू भी लिखिपर नहीं बिकज चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी करेन्ट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी आम जब डायमेनसन लिखा करेन्टर डायमेनसन कौन ना ए करेन्टर डायमेनसन तार मानने यूनिट अनुसार तार डायमेनसन करेन्टर डायमेनसन हूँ आंपियर ए ए ट्रांसफर आंपियर करेन्टर डायमेनसन तुम लिखिपर वन आंपियर इक्वल्स टू क्यू बाय टी टी डायमेनसन हूँ टाइम डायमेनसन कौन ना टी मुझे क्यू को लिखी तो क्यू इक्वल्स टू कौन होगा ना एटी एटी भेरी भेरी इंपोर्टेंट फंडामेंटल जिनस लिखी कौन ना डायमेनसन अफ चार्ज डायमेनसन ऑफ चार्ज डायमेनसन ऑफ चार्ज चार्जर डायमेनसन के ना ए टी ए टी ए टी ए स्टैंड्स फॉर करेन्ट आंपियर ए स्टैंड्स फॉर आंपियर बाय करेन्ट टी स्टैंड्स फॉर टाइम क्लियर एटा हूँ गोटे प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख चार्जर नंबर सिक्स नंबर सिक्स छ नंबर प्रॉपर्टी हूँ कौन ना चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू इक्वल्स टू चार्ज गोटा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इक्वल्स टू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब देखो 1.60 इनका 7 ना करने ते आसे तो यहाँ हूँ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो प्रॉब्लम आम करे यहीटा को यूज करके सॉल्व कर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये मुझे प्रोटन और चार्ज नेबी नंबर 7 चार्ज ऑफ ए प्रोटन 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 चार्ज ऑफ ए प्रोटन चार्ज ऑफ ए प्रोटन इक्वल्स टू गोटा प्रोटोन चार्ज है के 1.6 इंटू 10 टू दि पावर माइनस 19 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन
चार्ज जी प्रोटन चार्ज से किंतु इलेक्ट्रॉन ठारु प्रोटन मास हूँ बहुत अधिक के 1837 गुण अधिक माने प्रोटोनटा हूँ बेसी हेवियर इलेक्ट्रॉन ठारु किंतु तांका दुजण चार्ज समान हो जाउछि ये बड़ माने चमत्कार कथा नो प्रोटन मास अधिका इलेक्ट्रॉन ठारु अधिका ओजनिया हम प्रोटन आम जितने बढ़ी थोड़ा केमिस्ट्री आम जितने मास कैलकुलेट करछे कोनोसी सब्सटेंस रो आम इलेक्ट्रॉन को आदो कंसीडर करूनी जिते एटॉमिक मास आम देखुचे इलेक्ट्रॉन को टोटल आम कंसीडर करूनी केते किमिट को मास तार डिसाइड होची ना केते अमाउंट ऑफ प्रोटॉन अच्छी केते अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छी सही बेसिस तार मास डिसाइड होची प्रोटॉनटा एते अधिका है कि भी तार चार्ज जिते कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होची सेते कि एटा बड़ चमत्कार कथा एतिक प्रॉपर्टी चार्ज विषय जान एनफ एबे देखिबा कूलम कौन कहिथिले तांकर कूलम कर तांकर जो माने फोर्स से कौन कूलम कहते इलेक्ट्रिक फोर्स विषय देखिया ता पूर्व आउटा कथा कौच चार्ज आम गोटा बॉडी को कौ प्रकार सब चार्ज कर फ्रिक्शन फ्रिक्शन करके चार्ज कर माने गोटा बॉडी को यदि आम घसवा से चार्ज हो जाए तो जो बादल जो लाइटनिंग होपरे से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो बादल सब आकाश जो उड़ू से पवन सहित तार फ्रिक्शन हो चार्ज हो जा चार्ज हेला परे फोन जितले आउटा बाड माने बादल सहित बाडे होची देखो तार स्पार्किंग हे जाउची स्पार्किंग होची से स्पार्किंग तमर लाइटनिंग क्रिएट होची लाइटनिंग थंडर जो होची सेइ पे क्रिएट होची त देखियो माने सक आमा जो सॉकेट सब अछि सॉकेट से सॉकेट रे जितले स्विच मारिवो स्विच को पूरा धीरे किने प्रेस कर दबो धीरे किने प्रेस करबे ता भीते देखियो स्पार्किंग पाइबो से चार्ज पे स्पार्किंग नले आउ देखियो त छोटो देखितो माने पानी आरे मुंडो किने घसिदला परे से ओकर कागज टुकड़ा सब अट्रैक्शन करे से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैं ये कहली फास्ट प्रॉपर्टी कहते हैं लाइक चार्जेस अटैक अनलाइक चार्जेस रिपल्सन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब डेवलपमेंट हो सब जिन बहुत एग्जांपल अच्छी से एग्जांपल आउ क्वेश्चन ने आसुनी चार्ज को प्रोसेस हुए से भी क्वेश्चन नहीं आसुनी से मुझे ऑनलाइन क्लास रे डिस्कशन करने चाहूनी वीडियोटा बहुत लंबा हो डिस्कशन कले आम ओवरऑल मेन मेन जिन सब डिस्कशन करा जोटा सब नोट्रे रखो जो सब मोस्ट वाइटल जिन सब डिस्कशन करा कभी जब टाइम मिले ऑफलाइन क्लास में डिटेल डिस्कशन करा नाउ लेट अस स्टार्ट कूलम्स लॉ हेडिंग डालो कूलम्स लॉ सी O U L O M B S कूलम्स लॉ जिमिति मोशन रे होचंती न्यूटन सिंति इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे भाविनियो के ए महाशय कूलम से गोटा लॉ भाग करथिले जिमिति मोशन ने पढ़ीथिलो न्यूटन्स लॉ न्यूटन किंतु न्यूटन कोन तीनोटी लॉ भाग कर देथिले एका थरे प्रथम लॉ ऑफ इनर्सिया तापर सेकेंड लॉ से बाहर कले फोर्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हाज इक्वल रिएक्शन तीन टा लॉ बाहर कर देते कि कूलम गोटाए लॉ बाहर कर दे गोटाए लॉ एत पावरफुल तो देखो ये चैप्टर होल चैप्टर सारा से लॉ को सब जाक एप्लीकेशन अच्छी से गोटाए लॉ रु इमिटिया एफ रो वैल्यू बाहर से गोटाए लॉ रे बहुत मैंने होल चैप्टर सारा खाली से यार एप्लीकेशन देख कूलम्स लॉ अच्छा कूलम्स लॉ सहित ना न्यूटन कर भूल कहली न्यूटन कह गल चार्टा लॉ तुम पढ़ी फर्स्ट ईयर न्यूटन का लॉ विशेष चार्टा पांचटा लॉ पढ़ी पांचटा तीन टा लॉ हूँ लॉ ऑफ मोशन रे एक ना जो तीन टा कहली आउटा हूँ ग्राविटेशन ग्राविटेशन पढ़ी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्राविटेशन एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर से चार्टा है पढ़ थर्मोडायनामिक्स पढ़ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कौन पढ़ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग न्यूटन थर्मोडायनामिक्स पढ़ा कि तुम फास्ट इयर पांचटी लॉ पढ़ न्यूटन ता भितर गोटाए लॉ पूरा रिलेटेड मानते गोटाए लॉ और कूलम्स लॉ पूरा रिलेटेड जिनस ना से लॉ तुम पढ़ल कौन जेकोसी दुटा वस्तु वर्ल्ड भितर आट्राक्शन फोर्स क्रिएट हुए ना से आट्राक्शन फोर्स को आम कहू ग्राविटेशनल फोर्स मैंने ग्राविटेशनल फोर्स ऑफ आट्राक्शन से फोर्स एक्सप्रेशन के एफ दीटा बॉडी रो से जो फोर्स ऑफ ग्राविटेशनल फोर्स ऑफ आट्राक्शन हुए सीटा कौन करे ना दीटा बॉडी रो मास ऊपर डिपेंड करे माने सेटा प्रोपोर्शनल हुए एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम वन इन टू एम टू दुटा बॉडी रो मास को प्रोपोर्शनल हुए आउ कौन हुए भितर जो डिस्टेंस थाए से डिस्टेंस को जाए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ग्राविटेशनल फोर्स ये जो फोर्सटा हो ग्राविटेशनल फोर्स तापर आम फाइनाली फोर्सटा जो लिखुलू एफ इक्वल्स टू के कैपिटल जी एम वन एम टू
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एटा को हम कहले ग्राविटेशनल फोर्स सेम से ही जिनस एटी कुलम्स कहते कुलम्स कहते मुझे दुटा पॉइंट चार्ज नेबी पॉइंट चार्ज मान ये गोटा पॉइंट चार्ज है क्यू वन अनदर पॉइंट चार्ज एटी गोटे नेली है के क्यू टू सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट चार्ज आगे कौन बुझ पॉइंट चार्ज होची मु सपोज यही बोर्ड पर इलेक्ट्रॉन सब अच्छा से इलेक्ट्रॉन को समस्त को आणिक गोटाए पॉइंट रे मु कंसंट्रेट करी रखी गोटाए पॉइंट रे मु गदा करी रखी से जो गोटाए पॉइंट रे गदा है कि रहिले माने कंसंट्रेट है कि ले सेया को मु कहबी कोन ना पॉइंट चार्ज माने द चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल पॉइंट पॉइंट चार्ज मु सपोज कहबी ए होल ए बोर्ड सारा इलेक्ट्रॉन खाली छाटी भी खाली हेती इन सब चिता सब पका गुरुवार अवसर से खाली छाटती खाली जी माणवसा गुरु सब छाटी इलेक्ट्रॉन खाली बुणी खाली छाटी मैंने बोर्ड सारा इंजीन छाटीदेवी से सब पॉइंट चार्ज आम कहानी कह यूनिफर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गला सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गला पॉइंट चार्ज रण समझ में आया पॉइंट चार्ज हूँ द चार्ज व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल पॉइंट क्लियर द चार्ज व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट बाय ए सिंगल पॉइंट ओनली दिस इज नोन एज पॉइंट चार्ज क्लियर अभी समझ में आया पॉइंट चार्ज क्या है अच्छा से कुलम्स लॉ मन रख केवल से पॉइंट चार्ज पे ही एप्लीकेबल हबो किंतु न्यूटन्स लॉ न्यूटन्स रो जो ग्राविटेशनल लॉ होल जिते बॉडी अच्छी संसार रे समस्तिक पई एप्लीकेबल हबो इवन इफ सेलेस्टियल बॉडीज जेमि चंद्र तारा सूर्य ताको पई भी अट्रैक्शन हबो चंद्र आ तम भीतर भी अट्रैक्शन ताकू हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्राविटेशन रे पकी परिया फार्मूला रे पकी परिया जे कोनोसी दिटा बॉडी वर्ल्ड सारा आम नहीं कि से ग्राविटेशनल फोर्स रे पकी परिया किंतु कूलम्स लॉ कोठी पकेबा ओनली बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस कुलम्स तेल कौन कही आम जो फोर्सटा डेभलप हम दुटा पॉइंट चार्ज भितर से दैट फोर्स आगे बुझी सारा तापर मो स्टेटमेंटा डाकदेवी दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटु क्यू टू क्यू वन इंटु क्यू टू क्लीयर एंड दैट फोर्स इज अल्सो प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर वन बाय आर स्क्वायर दैट मीनस सेठी जमी थिला सेठी थिला m1 into m2 एठी थिला q1 into q2 सेठी थिला 1 by r स्क्वायर एठी थिला 1 by r स्क्वायर त माने एठी तान मो लिख परबी इम्प्लाइज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केते ना q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ना किछि लेखना मो डाकिले लेखिबो डोंट वरी हां त माने इम्प्लाइज f इक्वल्स टू इक्वल्स टू f इक्वल्स टू हे गला गोटा कांस्टेंट k q1 Q2 divided by R square. एबे बुझ पाइलो एटा कोन एबे गोटा लाइन लेखो कुलम्स लॉ रे लाइन लेखो कुलम्स लॉ कुलम्स लॉ कुलम्स लॉ स्टेटमेंट 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 लिख दिया स्टेटमेंट स्टेटमेंट कुलम्स लॉ रो स्टेटमेंट स्टेटमेंट लेखो जे बुझी जाइथिबो ना से लिखि दबो आराम से लिखि दबो जे इंग्लिश रो टिके कमांड थियो लिखि दबो कोन ने लेखो स्टेटमेंट कुलम्स लॉ स्टेट्स दैट कुलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉरी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of their magnitude product of their magnitude and inversely proportional to square of distance between them square of distance between them एटा होची कुलम्स लॉ रा स्टेटमेंट कुलम्स लॉ को कहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन न्यूटन्स लॉ रे कोन लिखतलो ओनली अट्रैक्शन लिखतलो कारण न्यूटन कहितले केवल अट्रैक्शन हुए किंतु इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे मु कोन कहली फास्ट चार्ज रा फास्ट प्रॉपर्टी रे मु कोन कहली अट्रैक्शन भी हो सकता है रिपल्सन भी हो सकता है अट्रैक्शन कब होगा ना जब जब वो चार्ज दोनों बराबर होगा यानी कि लाइक चार्ज होगा सॉरी भूल कहली अट्रैक्शन केबे हबो ना जते बेले चार्ज दीटा अनलाइक चार्ज हेबे माने गोटाए पॉजिटिव
आ गोटा नेगेटिव गोटाए पॉजिटिव आ गोटा नेगेटिव चार्ज हेले तांक भितरे अट्रैक्शन अट्रैक्शन जदि गोटाए पॉजिटिव आ गोटा पॉजिटिव हो जाए तांक भितरे रिपल्सन ताने अट्रैक्शन हो पारे रिपल्सन हो पारे हैला सेटा डिपेंड करे चार्जटा पॉजिटिव नै दीटा चार्ज लाइक अछंती ना अनलाइक अछंती क्लियर अट्रैक्शन से जो लिखली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ताने ए जो आर टा हला कोन ना q1 आ q2 भितरे डिस्टेंस आर माने रखो q1 q2 भितरे जो डिस्टेंस बनाउ छी आर पूरा एग्जैक्ट ताक सेंटर रो डिस्टेंस ता मेनउ छी आर एग्जैक्ट पूरा ताक सेंटर हम डिस्टेंस नउ छी आर क्लियर एबे लिखले q1 q2 q2 भितरे डिस्टेंस हो छी आर एबे मले के हम लिखिया मैथमेटिकली 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 ये को लिख दियो f इज प्रोपोर्शनल टू q1 इनटू q2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाय r स्क्वायर इमे लिख दे कि इम्प्लाइज f इक्वल्स टू k q1 q2 डिवाइडेड r स्क्वायर एटी लिख दियो वेयर वेयर k इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन मीडियम डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एति लिख दियो अच्छा मन रखो एठी मु जो f जो लिखी छी एई f टा मैग्नीट्यूड मु नै छी कारण एठी f ऊपर वेक्टर साइन देनी एठी मैग्नीट्यूड नै छी एबे मुटा क्वेश्चन पचार छी दीटा क्वेश्चन पचार छी जदी क्वेश्चन आंसर कहि परिवो ताहले कमेंट बॉक्स रे कमेंट लिखिवो हां जे कहि परिवो देन जीनियस वन सो जीनियस माने सब आंसर दबो हला गोटाई क्वेश्चन हो छी फर्स्ट क्वेश्चन एबे एबे गोटा चार्ज दीटा चार्ज अछि दीटा चार्ज भितरे मु जदि डिस्टेंस को 2 टाइम्स बढ़ाई देली एबे माने आर अछि एबे आर अछि ए डिस्टेंस को जदि माने 2 आर कर देली चार्ज रो मैग्नीट्यूड रे नो चेंज नो चेंज चार्ज रो मैग्नीट्यूड रे किछि चेंज हलानी एबे डिस्टेंस अछि आर ए डिस्टेंस मु जदि 2 आर कर देली इफ आई इंक्रीज द डिस्टेंस आर टू 2r तने एफ जेउटा थिला एफ टा बढ़िबो ना कमीबो व्हेदर द एफ विल इंक्रीज और डिक्रीज जदी इंक्रीज हबो केते टाइम्स इंक्रीज हबो केते गुना इंक्रीज हबो भा करिया और जदी डिक्रीज हबो केते गुना भा करिवो सेटा कमेंट बॉक्स रे कमेंट रे लिखिवो क्वेश्चन नंबर 1 आउथे कहूची इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीज टू 2 टाइम्स व्हाट विल अफेक्ट टू द फोर्स बिटवीन देम क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड क्वेश्चन होची गुटा बॉडी मु ए रे गोटा बॉडी फर्स्ट केस रे गोटा बॉडी नली ए नली सेकंड केस रे गोटा बॉडी नली ए प्लस माने प्लस पॉजिटिव चार्ज अछि हला सेम बॉडी एटा होची न्यूट्रल बॉडी ए नली पॉजिटिव चार्ज आउटा नली सेम बॉडी एटा होची नेगेटिव चार्ज अछि थर्ड केस रे नेगेटिव चार्ज फर्स्ट केस रे बॉडीटा न्यूट्रल अछि सेकंड केस रे बॉडीटा पॉजिटिव चार्ज अछि थर्ड केस रे बॉडीटा नेगेटिव चार्ज अछि माने को थरे बॉडी रो मासटा अधिक हबो कमेंट बॉक्स रे कमेंट लिखियो कोथरे फर्स्ट केस रे ना सेकंड केस रे ना थर्ड केस रे मास कोथरे अधिक हाबो जदी भी समान हेथाय को तीनटा रे ताले कमेंट बॉक्स रे कमेंट लिखियो थैंक यू फॉर वाचिंग जय जगन्नाथ।